चुनावी राज्य कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को धर्म आधारित आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ। उन्होंने ये भी दावा किया कि मजबूत डबल इंजन सरकार के कारण पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आदित्यनाथ ने यहाँ एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का तुष्टिकरण करती है और धर्म आधारित आरक्षण देती है जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है। वह अन्य पिछड़ा वर्ग की 2B श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का जिक्र कर रहे थे, जिसे कर्नाटक में भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में यह कहते हुए खत्म कर दिया कि धर्म आधारित कोटा का कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है। 2B को निरर्थक बनाने के बाद कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और राज्य के 2 प्रमुख समुदायों 2C में वो कालिग्गा और 2D श्रेणी में लिंगायतों के लिए प्रत्येक में 2% कोटा बढ़ा दिया। भारत को 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था। देश धर्म आधारित आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता और हम एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। पार्टी नेता ने कहा कि केंद्र और कर्नाटक की भाजपा सरकारों ने PFI पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस्लामी संगठन की कमर तोड़ दी है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू नो दंगा, वहाँ पर है सब चंगा। पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार एक केंद्र में और दूसरे उनके गृह राज्य में रहने से सबसे मजबूत संभव तरीके से अपनी ताकत दिखाई है। विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांगजनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है, आज विकास हर एक स्तर पर देखने को मिलता है, हर एक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टिकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोमई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं।